नमस्ते इंडिया, आई एम इन A3 पार्क। आई वॉज रनिंग अराउंड द A3 पार्क व्हेन आई डिस्कवर्ड, अब मैं नाम बताइए, आनंद गर्ग साहब को मैंने डिस्कवर किया कि वो कुछ अपने बैग में प्लांट्स लेके आए हैं और वो पार्क में कुछ प्लांट्स लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं सामने कि ये प्लांट अभी उन्होंने निकाला अपने बैग में से। तो गर्ग साहब मुझे ये बताइए कि आप, ये कौन सा प्लांट है? बेल पत्तर। तो आप बेल पत्तर को अलग अलग पार्क में जाके क्यों लगाते हैं? ताकि भगवान शिव के लिए बेलपत्र की सेवा हो सके। अभी तक कितने प्लांटेशन कर चुके हैं आप? 3 से 4 हजार। 3 से 4 हजार प्लांट्स ये लगा चुके हैं। कहाँ कहाँ आपने लगाए? द्वारका, जनकपुरी, उत्तम नगर, विकासपुरी। अच्छा, तो ये जो प्लांट्स लगाते हैं आप, फिर उनको देखने के लिए भी आप जाते हैं बीच में कि कितना ग्रोथ हुई है? वो नहीं जाते। तो ये जो प्लांट है ये अपने आप मतलब ग्रो कर जाएंगे? मतलब ये है कि आप नेचर से बहुत लव करते हैं और आप काफी ग्रीनरी को क्रिएट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग सफर कर रहे हैं बहुत हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन से। तो आपने अगर 5,000 प्लांट्स अभी तक लगा दिए तो मैं समझता हूँ आपने काफी पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है इंडिविजुअल लेवल पे। तो ये आप कहाँ से लाते हैं? जो भी ये निलोठी से। निलोठी मतलब एक नर्सरी है? नहीं, नर्सरियों का वो है। अच्छा, तो आप परचेज करके लाते हो वहाँ से? कितने का एक प्लांट मिलता है ये? दस रुपए का एक प्लांट ये लाते हैं निलोठी नर्सरी से और अभी तक 5,000 प्लांट्स ये लगा चुके हैं। हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और हम ये चाहते हैं कि हर आदमी जो हमारे देश में है, अगर वो 100-150 प्लांट भी लगाता जाएगा पार्क्स में और जगह जगह, तो काफ़ी हमारे को ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि प्लांट्स सिर्फ ग्रीनरी नहीं, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। और जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पोल्यूशन की, उसमें आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो वी आर वेरी थैंकफुल, वी आर ब्लेस्ड दैट यू मिस्टर गर्ग इज़ डूइंग सच ए गुड जॉब। तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। और ये वीडियो मैंने आपसे इसलिए बनाई है कि आई विल गिव इट इन द यूट्यूब जो कि सारे देश के लोग देख सकें। नमस्ते, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। ठीक है।